Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। महंगाई से रिलीफ का प्लान, बिजली बिल्स का मसला हल, डाकू राज का खात्मा करो, हरीम शाह के शौहर कहाँ हैं, पीसीबी को तहफ़ुज़ा, और पाकिस्तानी कुड़ियां छा गईं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि निगरान विफाकी हुकूमत ने महंगाई और ओवर बिलिंग के सताए आवाम को रिलीफ देने का प्लान बना लिया है। सितंबर से 300 यूनिट वाले बिल्स में 3000 रुपए तक, जबकि 7000 से 70000 रुपए तक बिजली बिल वाले सार्फिन के बिल्स में 13000 रुपए तक कमी होगी। और ज़राए के मुताबिक बिजली पर रिलीफ देने का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। बिजली के बिलों का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फाइनेंस पावर टीम इस मसले का मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। अंदाज़ा है कि ऐसा तबका है जिस पर इंतहाई बोझ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू, कहा माजी में एक बार अपना बिजली का बिल देकर होश ठिकाने आए थे। पहले दिन जब ऑफिस संभाला तो पहली मीटिंग पावर टैरिफ टैक्स से मुतालिक की, बिजली बिलों से मुतालिक अपने हालिया बयान की वजाहत भी कर दी। कहा मेरा कहना था कि कुछ लोग एहतजाज को सिविल वॉर से तशबीह दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। निगरान हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए रिलीफ देने का प्लान तैयार। ज़रा के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए तक कमी होगी। 60000 से 70000 रुपए तक बिजली के बिलों वाले सार्फिन के बिलों में 13000 रुपए तक कमी होगी। हुकूमती ज़रा का कहना है की निगरान हुकूमत की IMF के साथ बातचीत जारी है और बिजली पर रिलीफ का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। लाड़काना डिवीजन में बदमनी और तावान की बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर लाए धरने के बाइस रॉयल रोड पर ट्रैफिक मौतल। मुजाहिरीन ने मुखबियों को बाजियाब न कराने पर बड़े एहतजाज की धमकी दे दी। कश्मीर में मुखबियों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। बदमनी और अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातें, लाड़काना और कश्मीर में आवाम का एहतजाज और धरना। लाड़काना डिवीजन में बदमनी और अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातों पर कंदकोट, कश्मीर और शिकारपुर में आवाम का एहतजाज और धरना। धरने से रॉयल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और मुगवियों को बाजियाब न कराने पर बड़े एहतजाज की धमकी दे दी। उधर कश्मीर में मुगवियों की बाजियाबी के लिए दूसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी रहा। मुगवी जगदीश कुमार के बेटे ने आला हुकाम से वालिद की बाजियाबी की अपील कर दी। हमारे वालिद साहब और मेरे छोटे कज़न जो 8 साल के हैं, पिछले 3 माह से अगवा हो चुके हैं। हम काफ़ी दफ़ा 3 माह से मतलब अपील कर कर के थक गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे घर में मातम बरपा है। हम IG साहब से और दीगर हुक्मरान से अपील करते हैं कि मेहरबानी करें हमारे बच्चे, हमारे वालिद साहब जल्दी बाजियाब करवा दिए जाएं। एहतजाज और धरने के बाइस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कश्मीर में अगवा होने वाले हिंदुओं के अहले खाना से यकजहती के लिए सक्खर में सदर हिंदू पंचायत ईश्वर लाल माखेचा की जेरे क़यादत रैली निकाली गयी। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा किया। कश्मीर में डाकू राज बरकरार, मुगवी के वरिसा से 30 लाख रुपए तावान तलब कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज कश्मीर थाना की हदूद से अगवा होने वाले ज़हीर अहमद खालिदी के वरिसा को डाकू की फ़ोन कॉल मौसूल हुई और मुबैना फ़ोन कॉल पर डाकू मुगवी के वरिसा से 30 लाख तावान तलब कर रहे हैं, 5 दिनों में पैसों का बंदोबस्त करो। ये धमकी देकर डाकू ने फ़ोन कॉल काट दी और फ़ोन आने के बाद मुगवी के घर में मातम और यतीम मुगवी की मां को मुंशी के दौरे पड़ गए। घोटकी, कश्मीर, जैकबाबाद, कंकोट में ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। नए अफसरान आने के बाद कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन होगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कराची और अंदरून सिंध को अमन का गहवारा बनाएंगे। पूरे सिंध में कार्रवाइयाँ होंगी, किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सियासी दबाव नहीं है, साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे।
हम किसी को विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारा काम अमन कायम करना, कराची के अवाम को रिलीफ देना। कल हमारे सारे डीएजी एसपी नए आ जाएंगे, उसके बाद हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कराची को, इंटीरियर सिंध को, अंदरूनी सिंध को बिल्कुल अमन का गहवारा बनाएंगे। कोई यहाँ पर भत्ताखोरी नहीं है, कोई यहाँ पर ये गुटखा वाला काम नहीं है, जो बेचते हैं चर्च बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और मैं जैकोबाद में शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी जहां पर हमें खबर मिलेगी वहां जाएंगे और कामयाब ऑपरेशन करेंगे। कातिल इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं कि वो हमें पता है कहां पहुंचे हुए हैं, वहां पर पानी भी है। अभी हम दो दिन में जब सारे चेंजेस कर रहे हैं उसके बाद आपको नज़र आएगा कच्चे में पक्के में जहाँ जहाँ पर भी है सब ऑपरेशन करेंगे। इंतखाब मेरे ख्याल में उम्मीद तो यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि जिस वक्त इलेक्शन में पाकिस्तान तारीख दे देगा हम इमीडिएटली उसके साथ ही जो इलेक्शन की तैयारी कर लेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह के शोहर बिलाल हुसैन शाह लापता हो गए हैं। हरीम शाह ने दावा किया है कि उनके शोहर को नामालूम अफराद घर से अगवा करके ले गए हैं। बिलाल शाह की वालिदा ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है जिसकी समाअत आज होगी। बिलाल शाह की वालिदा का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं। बिलाल शाह एक हफ्ता कबल लंदन से कराची पहुँचे थे और हरीम शाह का कहना है कि बिलाल शाह के इस तरह लापता होने पर उनकी फैमिली बहुत परेशान है, उन्हें जल्द बाजियाब करवा जाए। बिलाल शाह के अगवा का मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज कर लिया गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन गबोल गोट में दो सियासी जमातों में तसादुम, दोनों पार्टियों ने झंडा पार्टी झंडा लगाने के मामले पर हुआ। कारकुनान ने एक दूसरे पर डंडों लाठियों मुक्कों और लातों से तशद्दुद किया। झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम शहरियों का सबर जवाब दे गया, खुद डाकुओं से मुकाबला करना शुरू कर दिया। और गुलिस्तान जौहर महकमा मौसमियात मोबाइल मार्केट के करीब दौरान वारदात डाकुओं ने मुजाहमत पर शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वारदात देखने वाले रिक्शा ड्राइवर ने डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और दोनों मुलजमान को शहरियों ने घेर लिया। मुश्तैल आवाम ने डकैतों की दुर्गत बनाई और मुलजमान की मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद मुलजमान को आवाम के चुंगल से छुड़ा कर तहवील में ले लिया और शहरी जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। जख्मी डाकुओं को भी जना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। चूनिया सिटी थाने की हदूद में मालिक फैक्ट्री मार्बल का मजदूर पर तशद्दुद, मजदूर शहबाज का फैक्ट्री छोड़कर जाना जुर्म बन गया। मालिक फैक्ट्री ने शहबाज नामी मजदूर को तशद्दुद का निशाना बनाया और अगवा करके अपने डेरे पर ले जाने की कोशिश की। शहरियों ने अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। शहरियों ने मजदूर शहबाज की मदद से मदद करके जान बख्श करवाई। मजदूर पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुतासर मजदूर थाना सिटी में दरख्वास्त कार्रवाई के लिए दे दी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। और अब बात एशिया कप 2023 की, तो कोलंबो में शदीद बारिश ने एशिया कप का दूसरा मरहला मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने अपने सारे तहफुजात रख दिए हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कल इजलास तलब कर लिया है। सुपर फोर मरहला श्रीलंकन शहर जम्बोला में करवाने के ऑप्शन पर भी गौर जारी है। कोलंबो में शदीद बारिश है, एशिया कप में अब तक का सबसे अहम मैच पाकिस्तान और भारत का मुकाबला बेनतीजा खत्म हो गया। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने तहफुजात का इजहार कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मैचेस की कोलंबो से मुंतकली पर इजलास तलब कर लिया जिसमें इन शहरों पर गौर किया जाएगा जहां बारिश से महफूज मुकाबले हो सकें। जराए के मुताबिक सुपर फोर मरहला डम्बोला में कराया जा सकता है। श्रीलंकन शहर डम्बोला में इन दिनों मौसम बेहतर है। पीसीबी पहले भी बारिशों पर अपनी राय दे चुका था। कोलंबो में शदीद बारिशें हो रही हैं। मदासा क्रिकेट स्टेडियम भी बारिश के पानी से भर चुका है, सड़कें भी तालाब बनी हुई हैं। भारत अपनी रिवायती हठधर्मी पर कायम है। श्रीलंकन शहर डम्बोला के होटल पर एतराज कर दिया। भारतीय टीम इंतजामी के मुताबिक बारिशों के सबब एशिया कप के मैचेस की कोलंबो से मुंतकली मुश्किल हो गई। आज एशियन क्रिकेट काउंसिल के हंगामी इजलास भी इवेंट का वेन्यू कोलंबो से दीगर शहरों को मुंतकिल करने पर हतमी फैसला किया जाएगा। एशिया कप भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर की पाकिस्तान आमद का मामला, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चार रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द में बीसीसीआई के सदर राजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला, डायरेक्टर बीसीसीआई युद्ध वीर सिंह और सेक्रेटरी टू नायब सदर मोहम्मद अकरम शामिल हैं। बीसीसीआई वफ्द आज दोपहर में वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा और राजर बनी और राजीव शुक्ला समेत भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस भी देखेगा। पीसीबी ने एशिया कप के लिए बीसीसीआई और आईसीसी समेत मुतअद्दिद क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान को दावत दी है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑप्शंस कमेटी के चेयरमैन जलाल यूनुस पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4 सितंबर को तमाम ओहदेदारान के एजाज में इशाहिया देगा। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड फाइनल कर लिया गया। अब्दुल्ला शफीक और फहीम अशरफ के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह ना बन पाई। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक हो गया। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप की तैयारी। अब्दुल्ला शफीक और फहीम अशरफ की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह न बन सकी। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक हो गया। वर्ल्ड कप स्क्वाड में बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान भी शामिल हैं। इमामुल हक, सऊद शकील, आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज को भी शामिल करने पर इत्तेफाक हो गया। उसामा मीर, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हारिस और वसीम जूनियर को शामिल करने पर भी इत्तेफाक हो गया। 15 रुकनी स्कॉट्स के ऐलान के लिए 5 सितंबर की तारीख तय है। और पाकिस्तानी खवातीन ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे टी20 में 7 विकेट से हरा दिया है। 151 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल की है। पाकिस्तानी लड़कियां छा गईं, जनूबी अफ्रीका को दूसरे टी20 में भी शिकस्त दे दी। 151 के ताकुब में पाकिस्तानी गुड़ियों ने जारहाना आगाज किया। सिदरा अमीन ने एक छक्का, 6 चौके लगाए, 44 गेंदों पर 61 रन बनाए। इसमें मारूफ ने 27, मुनीबा अली ने 26 और आलिया रियाज ने 31 स्कोर किया। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने 41 और टिस्मन ब्रिटिश ने 46 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 150 रन बना सकी थी। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल और नशरा सिंधु ने एक एक बैटर को आउट किया। एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से शिकस्त दे दी। 335 के हदफ का ताकुब करती टीम अफगानिस्तान 245 रन पर ऑल आउट हो गई। 335 के ताकुब में अफगान टीम 245 रन पर ढेर। बांग्लादेश ने एशिया कप का पहला मैच जीत लिया। बड़े टोटल के जवाब में बैटिंग के लिए आने वाले अफगान ओपनर रहमानुल्लाह गरबाज सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इब्राहिम जरदान डट गए। उन्होंने 75 रन बनाए। हशमतुल्ला शाहिदी ने इब्राहिम का साथ दिया और 51 रन का इजाफा किया। हशमतुल्ला शाहिदी की बैटिंग के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि अफगानिस्तान की जीत की उम्मीद जाग गई। स्कोर 196 तक पहुंचा तो हशमतुल्ला शरफुल इस्लाम की गेंद पर कैच आउट हो गए और अफगानिस्तान टूट गई। मोहम्मद नबी 3, गुलबदीन नायब 15 और राशिद खान 24 रन बना सके। पहले इनिंग्स में बांग्लादेश ने जारहाना बैटिंग की और अपना तीसरा बड़ा टोटल 334 रन बनाए। ओपनर मोहम्मद नईब ने 28, मुशफिकुर रहीम ने 25 और शमीम हुसैन ने 11 रन बनाए। शकीबुल हसन 32 और आफिफ हुसैन 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के ओपनर मेहदी हसन ने शानदार बैटिंग की है। 3 छक्के, 5 चौके लगाए हैं। 119 गेंदों पर 112 रन बनाए हैं। आउट ना हुए, रिटायर्ड हर्ट होकर वापस आए और मैन ऑफ द मैच करार पाए। नजमुल हुसैन 104 रन की शानदार इनिंग्स खेल पाए। बात करें चीनी कीमतों की, तो चीनी की कीमतों पर कंट्रोल की कोशिशें नाकाम। मार्केट में मसनू किल्लत से कीमतों की ऊंची उड़ान। कोयटा में कीमत 200 रुपये तक जा पहुंचे। शुगर माफिया बेलगाम, जखीरा अंदोज और स्मगलिंग माफिया भी बेकाबू। इंतजामिया कीमतों में इजाफा रोकने में नाकाम। शुगर माफिया ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कोयटा में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। चीनी 210 रुपए तक जा पहुंची। हैदराबाद और मुल्क के दूसरे शहरों में चीनी 180 रुपए से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में होलसेल कीमत में 500 रुपए फी थैला मजीद इजाफा हो गया। 50 किलो चीनी का थैला 8300 रुपए से बढ़कर 8800 रुपए का हो गया। अमीर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। सराजुल हक ने कहा, मुल्क में सांस लेना मुश्किल हो गया, खतरा है सांस लेने पर भी टैक्स ना लग जाए। जमात इस्लामी ने इसलिए फैसला किया है कि हम चारों गवर्नर हाउसेस पर धरने देंगे। जहां लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हो, वहां आप आवाम पर अपने नालायकी और नाअहली का बोझ क्यों डालते हैं। इंडिया ने चांद पर कदम रखा, जश्न मना रहे हैं, और हमारी हुकूमत ने हमारे खोपड़ियों पर कदम रखा है। पीडीएम ने जो मुआहदे किए हैं, आज उनका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। 100% फायदा ये हमारे करप्ट अशराफिया को है, अवाम को नहीं है। हम इन मुआहिदों को मुस्तरद करते हैं कि इनके इस तरह मुआहिदों की वजह से अवाम को जो तकलीफ हो रही है, इन्होंने कौम को बेचा है, कौम का सौदा किया है। जमात इस्लामी ने इस पर एक वाइट पेपर लाने का फैसला किया है। भाइयों का और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की ताउन से कल एक पुरअमन हड़ताल हुई है।
मिल्क रिटेलर्स की जानिब से शहर भर में दूध की फरोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया गया। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हाफिज मोहम्मद निसार गदी का कहना था कि महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते और दूध 218 रुपए का खरीद कर 220 रुपए का नहीं बेच सकते। कई बार कमिश्नर कराची से बातचीत के लिए दरख्वास्त की है, दरख्वास्त कबूल ना होने पर दूध की फरोख्त आज से बंद की जा रही है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज से मुलाकात की। मुलाकात मरी में मरीम नवाज की रिहाइशगाह पर हुई। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बातचीत की गई। मरीम नवाज और डोनाल्ड ब्लूम ने तजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाका इस्तेहकाम समेत बाहमी तआवुन के फरोग़ की अहमियत पर जोर दिया। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ ने कोरोना और सैलाब के दौरान अमरीका की जानब से की गई कोशिशों को भी सराहा। रहनुमा नून लीग राणा सनाउल्ला ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्वीट में राणा सनाउल्ला का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ चाहने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बना के खड़ा करना है। दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं, जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही पर करप्शन के इल्ज़ामात। साबिक वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। नैब के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी पर तामीराती ठेकों में 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। नैब का इल्ज़ाम है कि मोहम्मद खान भट्टी गैरकानूनी भर्तियों में भी मुलव्वस हैं। नैब के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी ने मनपसंद कंट्रैक्टर अजमत हयात को ठेकों में रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया। और यहाँ आपको बताएं कि दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला गुजर गया लेकिन तबाही अपने पीछे छोड़ गया। मुतासरा इलाकों में ज़िंदगी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मुतासरीन के कई मवेशी और फसलें तबाह हो गई हैं। दूसरे जानिब मुल्क का बलाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरिया सतलज का सैलाबी रेला तो गुजर गया लेकिन पीछे दुख भरी दास्तानें छोड़ गया। मेलसी बस्ती महारवाला के करीब 20 साल जमान अब्बास दरिया सतलज में डूब कर जा बहा। नौजवान सैलाबी रेले से अपने घर का सामान निकाल रहा था। बावल नगर, पाकपतन, ओकाड़ा, बुरेवाला, मेलसी और दीगर इलाकों में मकानात, माल मवेशी और फसलें तबाह हो गयी। चुनिया में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कंगनपुर के मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मुतासरीन ने मुश्किल वक्त में मदद की फरियाद भी की है। कुछ भी नहीं है, सारी फसलें बोट गई, सारे मकान गिर गए, फसलें भी डूब गई हैं, घर डूब गए हैं सर। कोई हुकूमत ने किसी किस्म का कोई इमदाद नहीं की। दूसरी जानब मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का नया सिलसिला भी शुरू हो गया। सवात, मालाकंड, लोअरदीर और मानसेरा में खुलकर बरसात हुई। इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कराची का मौसम गर्म, पीर को मुल्क के मैदानी इलाकों का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। और अब आलमी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी का भयानक दौर, भारतीय दर्जगाहों में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ गई। यूपी और दिल्ली के बाद कर्नाटक के उस्ताद ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल दिया। बच्चों के आपसी झगड़े पर उस्ताद ने 2 मुसलमान बच्चों को क्लास से निकाल दिया। इंतहा पसंद उस्ताद ने बच्चों को कहा, भारत हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ से निकल जाओ। अमरीका के शहर लास वेगास में शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गयी। शदीद बारिश के बायस कई रिहायशी इलाके जेरे आब, जमीनी राबते मुनक़िता हो गए। अमरीकी हुकूमत ने लास वेगास समेत कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज संगीन हो गए। दौरान एहतजाज अफ्रीकी पनाह गुजीनों के 2 ग्रुपों में तसादुम, दोनों ग्रुपों का एक दूसरे पर पथराव, 100 से ज्यादा अफराद जख्म। शादी के प्रपोजल का अहतमाम हादसे में तब्दील हो गया। मेक्सिको में छोटा तैयारा रिवर्सर शावर के चंद सेकंड बाद ही गिरकर तबाह हो गया और पायलट जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। और अमरीका में एयर शो की फिल्म बंदी के दौरान अनोखा वाकया पेश आया। लड़ाका तैयारे ने इंतहाई कम ऊंचाई 35 बार से उड़ान भरी। तैयारे के करीब से गुजरने की वजह से कैमरामैन जमीन पर गिर गया। और आखिर में आपको बताएं कि माहिर नफ्सियात डॉक्टर की एक खातून से पूछगिछ, क्या माजी के जुराइम से पर्दा उठेगा? हॉलीवुड फिल्म कंडीशन ऑफ रिटर्न का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितम्बर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।